मेरी ये कविता एक 7 साल के बच्चे की कहानी है। इस बच्चे को क्या लगता है कि उसकी माँ खाना नहीं खाती है। अब उसको ऐसा लगता क्यों है, क्योंकि हमारे समाज में पुराने टाइम में क्या होता था और आज के टाइम में भी होता है बहुत सारी जगह, कि जब घर में खाना बनता है तो सबसे पहले जो घर के बूढ़े लोग होते हैं, दादा दादी, उनको खाना दिया जाता है। उसके बाद घर के सारे बच्चे लोग, सब लोग खाना खाते थे। उसके बाद जो घर के मेल लोग हैं, जब वो अपनी जॉब से वापस आते थे या घर पे होते थे, तब उनको खाना दिया जाता था। और सबसे लास्ट में जो घर की महिलाएं होती थी वो खाना खाती थी। अब होता क्या था कि जब तक उस बच्चे की माँ का खाने का टाइम होता था, तब तक वो बच्चा या तो सो जाता था या फिर वो स्कूल में होता था, या तो होता क्या था कि वो रेयरली अपनी माँ को खाना खाते हुए देखता था। तो वो अपने दोस्तों को एक बार बताता है कि पता है मेरी माँ खाना नहीं खाती है। तो उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। तो वो बच्चा तब क्या बोलता है अपने दोस्तों से, तो वो मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताता हूं। मेरे जागने से पहले वो उठ जाती है, मेरी आंखें बंद ना हो जाए तब तक वो सो नहीं पाती है। खाने से लेकर साफ सफाई तक घर का सारा काम वो करती है, मगर तब भी वो बेरोजगार कहलाती है। जिंदगी निकाल देती है रसोई और चूल्हे चौके में, पर फिर भी कोई सम्मान नहीं पाती है। चुपचाप सबके ताने सुनकर फिर से वो अपने काम में मशगूल हो जाती है। मन में कुछ जवाब तो आता ही होगा उसके, मगर फिर भी कुछ नहीं वो कह पाती है। बस आंच ना आए उसके बच्चों की परवरिश पर, इसीलिए अपने स्वाभिमान का भी गला घोट जाती है। प्यार पाने की उम्मीद तो शायद कब की छोड़ दी होगी उसने। समझ नहीं आता मुझको कि कैसे वो सिर्फ औरों के लिए जिए जाती है। सुबह का नाश्ता दोपहर के खाने से शुरू होता है उसका दिन, और फिर शाम की चाय और रात का खाना बनाने में लग जाती है। मैंने देखा था उसे अपने हिस्से की रोटियां मुझे देते हुए अपने लिए क्या बनाएगी वो खाना दोबारा, ये सोचकर वो भूखी ही सो जाती है। मैंने तो नहीं देखा कभी उसको खाना खाते हुए इसीलिए शक है मुझे कि मेरी माँ खाना नहीं खाती है। खाना नहीं